हे एवरीवान वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेज्यूमे इन लीगल कम्युनिकेशन स्किल्स सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेज्यूमे रेज्यूमे इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स एन ओवर व्यू ऑफ यूर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन्स और राइट रेज्यूमे क्या है एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसका ओवरव्यू देता है इंक्लूडिंग योर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स एजुकेशन एंड नोटेबल अकम्पलिशमेंट फॉर एग्जाम्पल आप लॉ कर रहे हैं या आप लॉ कर चुके हैं फिर आप किसी फर्म में जाते हैं या फिर आप टीचिंग के लिए जाते हैं किसी कॉलेज में तो आपको वहां पे अपना सीवी देना पड़ता है रेज्यू में देना पड़ता है तो उसमें आप इंक्लूड करोगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में क्या आपने कौन सी डिग्री करी है बी एल एल बी एल एल बी करी है ठीक है तो वो सब चीज़ें जो भी आप एड करते हैं उसका मतलब होता है रेज्यू वो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये सब ये चीज़ें ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है रेज्यू कहलाता है अब देख लेते हैं ये जो वर्ड है रेज्यूमे ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम फ्रेंच से जिसका मतलब होता है समरी रेज्यू हेल्प्स यू डिमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटीज एंड कन्वाइंस एम्प्लॉयर्स यू आर क्वालिफाइड एंड हायरेबल बेसिकली ये आपकी एबिलिटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स आपको हायर करते हैं ठीक है उनको क्या करता है अट्रैक्ट करता है कि किस चीज को लेकर कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जिसके साथ आपको वो हायर कर सके किसी पोस्ट के लिए वेर वी नीडेड तो हमें इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब यू नीड एटलीस्ट अ रेज्यूमिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजिशन तो बेसिकली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको जो पोजीशन है उसको कंसीडर करने के लिए रेज्यूमे की तो जरूरत पड़ती ही है सबसे शुरू में जो है आपको रेज्यूमे ही दिखाना पड़ेगा इसके बाद ही अगर आप उसके लिए सिलेक्ट होते हैं आपके अंदर वो क्वालिटीज है ठीक है तो फिर आपको वो क्या करेंगे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रेज्यूमे द पर्पज ऑफ अ रेज्यूमे इज टू शो एम्प्लॉयर्स यू आर क्वालिफाइड फॉर अ पोजिशन एंड कन्वाइंस दैम टू ऑफर यू एंड इंटरव्यू तो बेसिकली क्या पर्पज़ हुआ वही जो मैंने आपको मीनिंग में बताया कि इसका मेन पर्पज़ ये है कि एम्प्लॉयर्स को ये शो कराना कि हाँ आप उस पोजिशन के लिए जिसके लिए आपको इंटरव्यू देना है जो पोजिशन आपको सीख करनी है उसके लिए क्वालिफाइड है एंड उन एम्प्लॉयर्स को उस रेज्यूमे के बेस आपको क्या करना है कन्वाइंस करना है उनको ताकि वो आपको इंटरव्यू का ऑफर दे सकें उस पोस्ट को गेन करने के लिए ऑल राइट मैनी जॉब सीकर रॉन्गली अज्यूम दियर रिज्यूमे शुड प्रोवाइड अ फुल ओवरव्यू ऑफ दियर प्रोफेशनल हिस्ट्री तो बेसिकली देखो बहुत से जॉब सीकर जो है इस चीज को गलत ले लेते हैं वो पूरी क्या कर लेते हैं सारी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दे देते हैं अपने घर से रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ आपको एक ऐसा ओवरव्यू देना है जो आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री से डील करता हो ना कि आपके फैमिली से कि आपके फादर क्या हैं ये चीजें आपको उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेज्यूमे सिर्फ आपसे रिलेटेड है आपको अपनी पर्सनैलिटी उसके अंदर शो करनी है इनस्टेड थिंक ऑफ योर रेज्यू एज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर सेल्फ आपको क्या करना है आपका जो रेज्यूम होना चाहिए शुड बी एम्फोसाइज योर मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस स्किल्स एंड हाईलाइट योर मोस्ट नोटेबल स्ट्रेंथ एंड अकम्पलिशमेंट तो बेसिकली आपका जो रेज्यूम है वो क्या करना चाहिए कि आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपको क्या स्किल्स आती हैं ठीक है ठीके? और सबसे ज्यादा आपकी क्या अकम्पलिशमेंट रही है अब तक वो सब उसमें शो होना चाहिए If your resume quickly makes your ability to handle the work clear to hiring managers, तो you will catch their attention and get more interviews. देखिए अगर आपका resume इस तरीका का है कि जो जिसको देखकर ये लगता है कि आप उस position के लिए ही बने हो जो भी work है उसको आप तुरंत handle कर सकते हो तो अगर आप ये विश्वास आपके मैनेजर को हो जाता है जिसके पास आप अपना रेज्यूमे देते हो ठीक है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे नाउ अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट टू इंक्लूड ऑन अ रेज्यूमे रेज्यूमे में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए देखो सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए इंट्रोडक्शन देन एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एंड रेलीवेंट स्किल्स देखिए जब हम रेज्यूमे लिखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं सबका अलग फॉर्मेट होता है और कैटेगराइज हैं जब हम टाइप्स ऑफ रेज्यूमे देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि किस टाइप्स के रेज्यूमे होते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये चीज है कि आपको ये चीजें ये इंफॉर्मेशन तो जरूर एड करनी होगी अपने रेज्यूमे में तो सबसे पहला हमारा आता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो कि इसेंशियल है रेज्यूमे का देखिये वेन यू मैंशन योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर रेज्यूमे इंक्लूड आपको क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को लिखोगे सबसे पहले आपको अपना योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को लिखना पड़ेगा फोन नंबर को लिखना पड़ेगा एंड ई मेल एड्रेस को लिखना पड़ेगा ठीक है एडिशनली आप क्या कर सकते हैं यू कैन एड योर लिंक्ड इन प्रोफाइल को भी आप उसमें एड कर सकते हैं सेकेंड थिंग यहाँ आती है इंट्रोडक्शन जो सेकेंड एसेंशियल पार्ट है इसका वो ये है कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है कंसाइज ओवरव्यू ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड की क्वालिफिकेशन आपको एक कंसाइज ओवरव्यू देना है आपका क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा एंड आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है एंड योर इंट्रोडक्शन कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ रेज्यू समरी और आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो रेज्यू समरी के रूप में होना चाहिए थर्ड एसेंशियल जो पॉइंट आता है वो है एजुकेशन से रिलेटेड योर रेज्यूम एजुकेशन सेक्शन कैन हैंडल योर स्कूल नेम योर हाईएस्ट डिग्री ऑन मेजर एंड माइनर्स देखिए इसमें क्या करना है आपको आपने किस यूनिवर्सिटी से क्या करा है अगर आप ट्वेल्थ बेस्ड कोई वो देने जा रहे हैं जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा आपने किस स्कूल यानी कि किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई करा है अपना ट्वेल्थ अगर आप किसी बड़े लेवल की जॉब पे जा रहे हैं तो आपको अपनी डिग्री या और उसके साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से करा है नेशनल यूनिवर्सिटी है प्राइवेट है क्या है वो सब ऐड करना पड़ेगा और जब आप एजुकेशन सेक्शन पे आते हैं ना तो आपको मेजर टू माइनर लिखना पड़ेगा ये नहीं कि आपने सबसे पहले माइनर को लिख दिया कि मैंने सबसे पहले टेंथ की फिर मैं ग्रेजुएट हुआ फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी ऐसे नहीं सबसे पहले आपको बड़ी पोस्ट को लिखना पड़ेगा ठीक एडिशनली यू कैन एड योर जीपीए और परसेंटेज ठीक है डीन्स लिस्ट को भी एड कर सकते हैं आप एंड रेलीवेंट कोर्स वर्क इफ इट इज रिलेटेड टू द पोजिशन फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल सी का कोर्स होता है कंप्यूटर कोर्स तो अगर आपका जो वर्क है वो उससे रिलेटेड है कंप्यूटर बेस्ड है आपका वर्क जहाँ आप जॉब के लिए गए हैं तो उस पोजिशन के लिए अगर वो रिलेटिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस कोर्स वर्क को भी लिखना पड़ेगा अगर वो सिर्फ रेलिवेंट है तब ठीक है एक्सपीरियंस पे आते हैं फोर्थ पॉइंट जो है इसका वो ये है कि लिस्ट एनी रेलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस यू हैव ठीक है अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के सेक्शन में आप लिखेंगे इंक्लूड द टाइटल द कंपनी यू वर्कड फॉर इर्स वर्कड एंड बुलेट पॉइंट्स आउटलाइनिंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नोटेबल अकम्पलिशमेंट ठीक है आपको इसमें क्या करना है जो आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है ठीक है वो सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा किस पोस्ट पे थे आप क्या कंपनी का किस कंपनी के लिए आपने वर्क करा है कितने साल तक करा है ये सब चीजें आप इसमें ऐड करेंगे लास्ट पॉइंट क्या आता है स्किल्स तो स्किल्स में आप इंक्लूड करेंगे स्किल्स ऑन योर रेज्यूमे दैट आर रेलिवेंट टू पोजीशन ठीक है जो जिस uh, पोजिशन के लिए आप जा रहे हैं अगर वहां पे वो स्किल रेलिवेंट है तो आप वो इंक्लूड करेंगे बी श्योर टू यूज अ स्ट्रांग मिक्स ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू आर अ वेल राउंडेड कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल कि आप हर फील्ड में अच्छे हैं और आपका कोई एक स्ट्रांग पॉइंट भी है स्ट्रांग स्किल भी है और कोई एक सॉफ्ट स्किल भी है कि अगर कोई और मेंबर अवेलेबल नहीं है उस काम को करने के लिए तो आप भी आप उस काम को करने के लिए केपेबल हैं ऑलराइट, राइट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेज्यूमे की तो आर फोर टाइप्स मेनली ऑफ रेज्यूमे फर्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमिंग देखिए इसमें मैंने शॉर्ट पॉइंट में लिखा है इसी के बेस पे मैं आपको समझाऊंगी देखो क्रोनोलॉजिकल जो रेज्यूमे है वो किस बेस होगा किस पर बेस्ड होगा बेसिकली सबसे पहले एक्सपीरियंस आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपको कि? किस किस चीज का एक्सपीरियंस है दूसरा आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है ठीक तो अगर आप इन दो चीजों को फुलफिल कर लेते हैं तो आपका वो रेज्यूमे क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे की कैटेगरी में आ जाएगा दूसरी जो काइंड है वो है फंक्शनल रेज्यूमे फंक्शनल रेज्यूमे में सिर्फ आप अपनी स्किल्स पे तवज्जो देंगे ठीक है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा क्या एजुकेशन है इस पे नहीं देंगे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में आपको काम करना है तो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल आनी चाहिए तो ये होता है फंक्शनल रेज्यूमे ठीक फिर आता है टारगेटेड रेज्यूमे टारगेटेड रेज्यूमे में आपको क्या करना है कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट है ठीक है कीप इन माइंड अ पर्टिकुलर पोस्ट और राइट right, तो वो होता है टारगेटेड रेज्यूमे कॉम्बिनेशन रेज्यूमे लास्ट है उसमें क्या आता है मिक्स फॉर्म ऑफ फंक्शनल एंड क्रोनोलॉजिकल तो कॉम्बिनेशन रेज्यूमे किसका मिक्स है इसका एंड फंक्शनल का मतलब आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस भी देना है एजुकेशन भी देनी है और स्किल्स भी देनी है तो वो कहलाया जाएगा कॉम्बिनेशन रेज्यूमे सो गाइज हमारा ये लेक्चर जो रेज्यूमे पर था वो कंप्लीट हो जाता है अगर कोई क्वेरी है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक like कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं थैंक यू